नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फूड क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं इन सब के बारे में तो फूड के बारे में हमने पढ़ा था कि फ़ूड मीन्स खाना जो हम डेली लाइफ में खाते हैं और फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फूड से मिली ये एनर्जी हम डेली लाइफ के जो भी वर्क करते हैं उसमें यूज़ करते हैं फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फूड के केमिकल्स होते हैं मींस फूड में जो केमिकल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं फिर हमने फ़ूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को उनकी डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट के बेस पर डिवाइड किया था तो अब हम पढ़ते हैं आगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स फर्स्ट हर्बीवोरस एनिमल्स सेकेंड पारनिवॉरस एनिमल्स एंड थर्ड ओम एनिमल्स अब हम इनके बारे में आगे बढ़ेंगे हरवीवॉरस एनिमल्स दीज आर द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल गाट हॉर्स एलिफेंट काउ डियर एक्सेट्रा हरवी वॉरस एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं फॉर एग्जाम्पल गाट हॉर्स एलिफेंट काओ डियर एक्सेट्रा शिप ज़ेब्रा, जिराव काउ, ये सभी एनिमल्स हर्बी वॉरस एनिमल्स हैं ये सभी प्लांट्स एंड प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्वी वॉरस एनिमल्स फर्स्ट हर्बी वॉरस लाइक हॉर्स काउ, गॉड है वाइट ब्लैंड तीत दे आर एबल टू पुल प्लान ऑफ द ग्राउंड द ग्रीडिंग टीथ आर बॉड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर ग्रीडिंग हर्ब्स हरबीवरस एनिमल्स जैसे कि हॉर्स काओ गोट इन सभी के वाइट ब्लड तीत होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्राउंड से खींचने में इनके हेल्प करते हैं इनके पीसने वाले तीत ब्रॉड एंड जड़ी बूटियों को पीसने के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं सेकेंड सम एनिमल्स लाइक कैमिल काओ एंड बफेलो फिल इन द स्टमक विथ फूड विथआउट चुइंग इट आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग बैक द ऑलरेडी सॉल्व फूड इन द माउथ फॉर प्रॉपर ग्राइंडिंग विच इज कॉल्ड कड़िंग कुछ एनिमल्स जैसे कैमल बफेलो अपने स्टमक को फूड से भर लेते हैं बिना फूड को चबाए ही कुछ टाइम बाद वो उस निकले हुए फूड को वापस अपने मुंह में लाते हैं ठीक से चबाने के लिए इस प्रोसेस को कडिंग कहते हैं इससे उन्हें हार्ड प्लांट्स प्रोडक्ट्स को पचाने में हेल्प मिलती है सेकंड कार्निवारस एनिमल्स

विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दे ईट कुछ एनिमल्स लाइक लॉयन टाइगर इनके शार्प पावरफुल एंड पॉइंटेड एंड लार्ज तीथ होते हैं जिनसे उन्हें एनिमल्स के फ्लैश को चीरने फाड़ने में हेल्प मिलती है सेकेंड कार्निवर्स बर्ड्स लाइक काइट ईगल है शार्प पॉइंटेड एंड पावरफुल एंड करव वीक विद द हेल्प ऑफ देर बीक दे ईट देयर फूड दे ऑल्सो है पावरफुल क्लाव टू कैच होल्ड ऑफ स्मॉल एनिमल्स कार्निवर्स एनिमल्स लाइक काइट ईगल इनकी शार्प पॉइंटेड एंड पावरफुल एंड घुमावदार बीक होती है ये अपनी बीक मीन्स चौंक की हेल्प से अपने फूड को खाते हैं इनके क्लाउज मीनस इनके पंजे भी पावरफुल होते हैं जिनसे ये स्मॉल एनिमल्स को पकड़ लेते हैं थर्ड स्नैक डज नॉट हैव टीथ इट इट्स फूड मे बी इवन बिगर देन साइज ऑफ इट्स माउथ इट हैज द कैपेसिटी टू इन लार्ज इट्स माउथ टू सॉल्व द फूड स्नैक के तीथ नहीं होते हैं और वह अपने फूड को निगलते हैं जो कि इसके माउथ से भी बड़ा होता है इसमें फूड को निगलने तक माउथ को बड़ा करने की कैपेसिटी होती है मींस ये अपने फूड को चबाते नहीं हैं ये अपने फूड को निगलते हैं फोर्थ कैमिलियन एंड फ्रॉग आल्सो डू नॉट स्टिकी टंग टू कैच द इंसेक्ट्स कीमिलियॉन एंड फ्रॉग इनके तीत नहीं होते हैं और ये छोटे छोटे कीटों को पकड़ने के लिए लॉन्ग एंड जो इनकी चिपचिपी टंग होती है उसका यूज़ करते हैं सम सी बर्ड्स है इस्पेशलाइज्ड बीक्स टू कैच द फिश फ्रॉम वाटर कुछ सी बर्ड्स को पानी से फिश को पकड़ने के लिए स्पेशल बीक्स होती हैं इन स्पेशल बीक की हेल्प से वो पानी से फिश को पकड़ते हैं और अपना फूड बनाते हैं स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स आर एनिमल्स विच फीड

ओमनीवर्स वे होते हैं जो एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल पेपल बियर पिक्स हैंसेट्रा पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड मॉस्किटोज लिव ऑन ब्लड देट दे सक फ्रॉम ह्यूमस एंड अदर एनिमल्स दे हैव अ लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ स्किन एंड शक द ब्लड पैरासाइड्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम पर डिपेंड होते हैं मच्छर ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स के ब्लड को शक करते हैं इनके पास तीत के बजाय एक लॉन्ग शार्प पाइप होती है जिससे ये ब्लड को शक करते हैं सम पैरासाइड सचेज टेप राउंड वाम एंड हुक्कव लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाई द एनिमल्स कुछ पैरासाइट जैसे टेपम राउंड वाम एंड हुक्व एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं और एनिमल्स जब फूड को पचा लेते हैं उसके बाद में ये पैरासाइट्स उस फूड को खाते हैं ये हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा उनके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि वो किस किस तरीके से अपना फूड खाते हैं किस तरह से अपना फूड बनाते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन फूड चेन ए ग्रेस शॉपर ईट्स ए ग्रीन प्लांट ए फ्रॉग ईट्स द ग्रेस शॉपर द फ्रॉग इज़ ईटन बाय ए स्नैक एंड द स्नैक इज ईटन बाय एन ईगल दिस चेन ऑफ इवेंट्स स्कॉल डेप फूड चेन हु एनवायरमेंट मेक्स फूड चेन द स्टडी ऑफ फूड चेन शो वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। फूड चेन क्या होती है एक ग्रेस शॉपर्स मीन्स टिड्डी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं फ्रॉग मीन्स मेंढक इन ग्रेस यानी कि टिड्डी को खाते हैं मेंढक को स्नैक खाता है और स्नेक को ईगल खा जाता है इस तरह से ये एक चेन बनाते हैं जिसे फूड चेन कहते हैं ये सब एक दूसरे को इस तरह से खाते हैं और एनवायरनमेंट पे फूड चेन बनाते हैं फूड चेन की स्टडी से पता चलता है कि एनवायरनमेंट में वेरियस ऑर्गेनिज्म में इंटरडिपेंडेंस होती है इस फूड चेन की हेल्प से एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहता है ये एक चेन है जिसमें ये एक दूसरे को खाते हैं और एक चेन बनाते हैं जिसे फूड चेन कहते हैं फूड चेन जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए मींस ये एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखती है तो आज की क्लास में हमने फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पढ़े जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को उनकी डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट के बेस पर हमने डिवाइड किया जिसमें हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट हर्बीवोरस एनिमल्स सेकेंड कार्निवोरस एनिमल्स एंड थर्ड ओमनी एनिमल्स हरवी एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं इनके स्पेशल करेक्टरस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि जैसे हॉर्स काव ये हरवी एनिमल्स जिनके वाइट एंड ब्लंड तीत होते हैं और ये वाइट एंड ब्लंड तीत इनको जमीन से प्लांट्स को खींचने में हेल्प करते हैं इनके पीसने वाले जो तीत होते हैं वो ब्रॉड एंड जड़ी बूटियों को पीसने के लिए मजबूत होते हैं फिर हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल जैसे बफेलो अपने स्टमक को बिना फूड को पचाए ही भर लेते हैं मीन्स ये अपने फूड को चबाते नहीं डायरेक्ट निगलते हैं कुछ टाइम बाद ये अपने उस निगले हुए फूड को वापस मुँह में लाते हैं चबाने के लिए इस प्रोसेस को कडिंग कहते हैं और इससे उन्हें हार्ड प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पचाने में हेल्प मिलती है सेकंड हमने पढ़ा कार्निवर्स एनिमल्स कि कार्नेवरस एनिमल्स वे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं फिर हमने स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कार्नीवरस एनिमल्स लाइक लॉ टाइगर इनके शार पावरफुल पॉइंटेड एंड लार्ज टीथ होते हैं जिससे उन्हें एनिमल्स के फ्लैश को चीरने फाड़ने में हेल्प मिलती है एनिमल्स का फ्लैश जो वे खाते हैं उनको चीरने फाड़ने में इन्हें हेल्प मिलती है फिर हमने पढ़ा कि कार्नीवरस जो बर्ड्स होती हैं लाइक काइट ईगल इनकी शार पॉइंटेड पावरफुल एंड घुमावदार बीक होती हैं ये अपने बीक के हेल्प से अपने फूड को खाते हैं मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें ये अपनी बीक के हेल्प से खाते हैं इनके पंजे भी पावरफुल होते हैं जिससे ये स्मॉल एनिमल्स को पकड़ते हैं स्नेक के तीथ नहीं होते हैं और वे अपने फूड को निगलते हैं जो कि इसके माउथ से भी बड़ा होता है इसमें फूड को निगलने तक माउथ को बड़ा करने की कैपेसिटी होती है गिरगिट और मेंढक के भी तीर्थ नहीं होते हैं वे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए अपने लॉन्ग एंड चिपचिपी जो टंग होती है उसका यूज़ करते हैं कुछ सी बर्ड्स होते हैं जिनको पानी से फिश को पकड़ने के लिए स्पेशल बीक्स होती हैं जिसके हेल्प से वो पानी से फिश को पकड़ लेते हैं कुछ एनिमल्स एंड एन बर्ड्स में शिकार को पकड़ने के लिए तेज और तीखे जो क्लव्स होते हैं मीन्स पंजे जो होते हैं वो होते हैं नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्क्वेंजर्स स्क्वेंजर्स वे एनिमल्स हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं और अर्थ को क्लीन बनाए रखते हैं फिर हमने पढ़ा था पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं जैसे कि मच्छर मच्छर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स के ब्लड को सक करते हैं पिस्सो जोंक और खटमल ये भी कुछ पैरासाइट्स हैं कुछ पैरासाइट्स जैसे कि टेप वॉम राउंड एंड हुक एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं और एनिमल्स जब अपने फूड को पचा लेते हैं उसके बाद ये फूड को खाते हैं मींस ये एनिमल्स के पचाए हुए फूड को फूड फॉर्म में लेते हैं फिर हमने पढ़ा था कि फूड चेन क्या होती है कि एक ग्रेस शॉपर्स मीन्स टिड्डी जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स को खाता है फिर मेंढक जो होता है वो इन ग्रेस शॉपर्स मीन्स टिड्डी को खाते हैं और मेंढक को स्नैक खा जाता है मीन सांप खा जाता है और सांप को फिर ईगल खा जाता है इस तरह से एक चेन बनती है जिसे फूड चेन कहते हैं और ये फूड चेन जो होती है वो एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखती है ठीक है फूड चेन की स्टडी से पता चलता है कि एनवायरनमेंट में वेरियस ऑर्गेनिज में इंटरडिपेंडेंस होती है ग्रासलैंड में भी फूड चेन बनती है जैसे ग्रास को जेब्रा खा जाता है और जेब्रा को लॉयन खा जाता है इस तरह से ये एक फ़ूड चेन बनाते हैं पॉन्ड, मींस तालाब में भी एक फ़ूड चेन बनती है एल्गी को स्मॉल फ़िश खाती है और स्मॉल फ़िश को लार्ज फ़िश खा जाती है इस तरह से ये तालाब में भी एक फ़ूड चेन बनाते हैं तो ये हमने पढ़ा कि फूड चेन क्या होती है इन्वामेंट में इसका क्या रोल है इन सब के बारे में कि ग्रास लैंड में भी फूड चेन बनती है जिसे ग्रास को जेबरा खा जाता है और जेबरा को लोइन खा जाता है तालाब में भी फूड चेन बनती है इन सब के बारे में और ये फूड चेन एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखती है तो आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ़ूड कि फूड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट क्या होती है और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सेलुलोज शुगर फैट्स विटामिन मिनरल्स प्रोटीनस वाटर इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे